नमस्कार किसान साथियों, आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप सब ने अपनी सर्दियों की फसल ले चुकी होगी या ले रहे होंगे। किसान साथियों, मुझे आजकल बहुत से फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि हम अपने पौधों की कटिंग करें या ना करें। आज का ये वीडियो इसी बात पर है कि इसमें मुझे कई चीज़ों की आवश्यकता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं कटिंग पर, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत अच्छा है और लोग मुझसे पूछते रहते हैं। किसान साथियों, मैंने ये सोचा है कि ये कटिंग पर मैं आपको किस प्रकार बताऊं कि सभी भाइयों की समस्या का समाधान हो जाए, जो कि मुझे एक वीडियो में नामुमकिन लग रही है। इसीलिए मैं आपसे कुछ बातें साझा करना रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी भाई मुझे व्हाट्सएप करें और ये बताएं कि उनके पौधे कैसे हैं। जैसे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अमरूद की कटिंग जो हम करते हैं, पहली और दूसरी तीसरी कटिंग या चौथी कटिंग हम कैनोपी बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद जो कटिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है जो हम फसल लेने के लिए करते हैं। इसलिए मुझे इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अपना नाम लिखिए और उनको मैं फिर वर्गीकृत करूंगा और तीन या चार वीडियो में बताऊंगा, जिससे सभी किसानों को भला हो और सभी किसानों की सभी बातें आ जाएं। पहला जवाब मुझे ये दीजिए कि आपके पौधे कितने वर्ष के हैं। दूसरा ये लिखिए कि आपके पौधे कितनी दूरी पर लगे हुए हैं। तीसरा ये बताइए कि आपने अगर इस वर्ष फसल ली है तो वो कौन सी फसल ली है। और चौथा ये बताना है कि आपको अगले वर्ष कौन सी फसल लेनी है। अगर आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर मुझे दे देंगे तो मैं सबको अपनी दो या तीन वीडियो में अच्छी तरह समझा सकूंगा कि आपको इतनी कटिंग करनी चाहिए और इस प्रकार कटिंग करनी चाहिए। तो किसान साथियों, आप मुझे 9910336139 पर व्हाट्सएप करें। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9910336139। इस पर व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखिए और मुझे ये बताइए कि इस समय आपके पौधे कितने वर्ष के हैं। दूसरा ये बताइए कि आपने इस वर्ष कौन सी फसल ली है। तीसरा ये बताइए कि आपके पौधे कितनी दूरी पर लगे हुए हैं। और चौथा ये बताइए कि अगले वर्ष आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं, ताकि मैं इनको तीन या चार भागों में वर्गीकृत कर आपको सही से समझा सकूं और आपको कोई नुकसान भी ना हो। किसान साथियों, मेरे पास बहुत लोग मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करते हैं, मुझे WhatsApp भी भेजते हैं। कुछ कहते हैं जी आपके कटिंग के तरीके से हमें बहुत नुकसान हुआ है, और कुछ ये कहते हैं कि जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। कल मैं झज्जर हरियाणा में गया था तो उस किसान की देखरेख और उसके पौधों की स्थिति देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उसमें थोड़ी समस्या थी फंगस की, जिसका मैंने उसको इलाज बता दिया। किसान साथियों, ये बहुत निर्भर करता है कि आपके पौधे कितनी दूरी पर हैं। और अगर आप वैरायटी भी बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सभी वैरायटी गहरी कटिंग को सपोर्ट नहीं करते। अगर हम बहुत गहरी कटिंग कर देते हैं तो उनमें अलग से समस्याएं आ जाती हैं, जिसको मैं एक अलग वीडियो में बता। आप मुझे व्हाट्सएप पर इन चारों प्रश्नों का उत्तर दें और उनको फिर मैं एनालिसिस करूंगा। आपके पास 10 दिन का समय है, आज 15 तारीख है, 25 तारीख तक मुझे अवश्य भेज दें और उन सबको वर्गीकृत कर मैं इस प्रकार वीडियो बनाऊंगा कि उसमें सभी किसान भाई कवर हो जाएं।
ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो और मेरा एक प्रयास कि अमरूद की कटिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और जिन भाइयों को समस्या है वो इन प्रश्नों के उत्तर देंगे जिन्हें कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।